एंट्री करते देखिए कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग है, ये प्योर वुडन की है। देखिए जी कितने प्यारे प्यारे ग्लोब रखे हुए हैं। भी नहीं टूटेगा, अनब्रेकेबल हीट में मेल्ट नहीं होगा। ये है जी 1800 का काम है। देख लिया 1,25,000 रुपए का पूरा। ये जो लेडीजों का सेक्शन है थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेट भी लिखे हुए हैं। 50-50 रुपये, 100-100 रुपये, 150-150 रुपये। ये असली का कैमरा है, देखिए फोन मैकबुक टैब सबसे कनेक्ट हो जाएगा जी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मधुमक्खी कितनी बड़ी है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है प्रगति मैदान ट्रेड फेयर का, जो ट्रेड फेयर लग रहा है 2023 में। तो ये बिजनेस डेज हैं, तो बिजनेस डेज में 14 से 18 तक हैं और 18 तारीख से आपका और 27 तारीख तक नॉर्मल डेज हैं। तो हम आए बिजनेस डेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं अभी 11 नंबर हॉल के अंदर एंट्री करते हैं यहाँ से। अब ये शायद होम अप्लाइंस का है बना हुआ है, वो तो उसमें गए थे उसमें कुछ और था, इसमें होम अप्लायंस के लिए बना हुआ है। ये देखिए घड़ी तो देखी होगी आपने, घड़ा नहीं देखा होगा, कितना बड़ा घड़ी है, बहुत बड़ी घड़ी है। फैन बड़े स्टाइलिश लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये फ्रिज लगा रहा हूँ सर। ये 2 एम्पियर पर आ गया, मतलब वो लगाने के बाद ना। हाँ जी, ये फ्रिज चल रहा है। हाँ जी चल रहा है सर, मतलब ये दिखाने से बिजली में बचत हो जाएगी। कंप्रेसर ऑन कर रखा है इन्होंने फ्रिज का। इसके जो एम्पियर हैं 2.88 एम्पियर आ रहा है ये लगाने के बाद। और ये हटाना भैया, मतलब अभी तो ये इतने एम्पियर ले रहा है। अभी लगाने के बाद हो जाएगा। रुक गया ना प्रेशर है। चलो फिर मैं आपको दूसरे प्रेशर बताता हूँ। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बिजली की बचत के लिए दिखा रहा था वो फेक था, उस पर ट्रस्ट मत करिए। उन्होंने कंप्रेसर जो है ख़राब रख रखा था, कंप्रेसर में प्रेशर आ नहीं रहा था और उन्होंने सिर्फ वाइब्रेटर लगा रखा था ताकि लोगों को लगे कंप्रेसर चालू है। अब यहाँ पे मिला है कुछ क्रॉकरी का सामान। क्रॉकरी का सामान हमारे मतलब का तो नहीं है, हमें कुछ लेना भी नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा था उसके अंदर उन्होंने कंप्रेसर जो है वाइब्रेटर लगा रखा था ताकि ऐसा लगे कि कंप्रेसर जो है चालू है और बिजली जो है कम ले रहा है, एम्पियर कम ले रहा है उसके। चलते हैं आगे, यहाँ भी क्रॉकरी वगैरह मिल गई है सारी। देखिए ये 11 नंबर हॉल है, 11 नंबर हॉल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। वैसे बाहर से देखने में तो छोटा सा लग रहा था। यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर वगैरह मिल रहे हैं और यहाँ पे सारे अरोमा से रिलेटेड ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया का ट्रेड फेयर है सबसे बड़ा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो आपको ऑलमोस्ट सारी आइटम मिल जाएंगे यहाँ पे। ये सारा ज्वेलरी वगैरह का, टाइटन घड़ी वगैरह का लगा हुआ है यहाँ पे, चप्पलों का लगा हुआ है उधर, अपना घर का जो सामान होता है राशन पानी वगैरह उधर वो सारा लगा हुआ है। अभी उधर की साइड चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और इधर टॉयलेट भी बने हुए हैं बीच बीच में हर जगह, अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो फ्रेश हो सकते हैं। अब हमने, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था तो हम भी थोड़ा सा सूसू कराते हैं। वहाँ पे कुछ स्टीम आमला लिखा है, अभी अभी नज़र गई मेरी जी। अभी स्टीम आमला देखते हैं, स्टीम आमला है क्या ये, पहले सूसू कराते हैं। देखिए जी स्टीम इडली, स्टीम मोमोज सुने थे हमने, अब स्टीम आमला क्या है ये देख लेते हैं। आमला तो ड्राई होता है वैसे तो, भाई को भी ढूंढ लेते हैं कहाँ गया।
ही मिला है स्टीम आमला। ये स्टीम आमला कौन सा होता है जी? ये है जी उबला हुआ है। ये स्टीम होता है सर, ये पानी की, पानी की भाप में, शहद में, शहद में, शहद में। कितने का है ये? 600 रुपए का आएगा। आधे किलो 600 का, 1200 रुपए किलो हो गया। वैसे नॉर्मल आमला तो खाया है, स्टीम वाला पहले। मीठा होता है क्या ये? तो जो स्टीम आमला था वो बताते, जो हनी होता है शहद, शहद की जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसमें पका हुआ था वो, उसी से मीठा हुआ हुआ था। ठीक था, लेकिन महंगा बहुत था, 1200 रुपए किलो। पंसारी की चाय 125 का एक पैकेट है पंसारी की चाय का। चाय चेक करते हैं कैसी है इनकी, इनका ऑलिव ऑयल वगैरह भी है, कप भी इनका है। चाय बहुत ज़्यादा दे दी इन्होंने यार, इतनी चाय से तो पेट ज़्यादा भर जाएगा मेरा। चाय बहुत ज़्यादा दे दी इन्होंने, देखो टेस्टिंग करने के लिए। पंसारी का काउंटर लगा हुआ है, कुल मिला के इधर पंसारी का बहुत बड़ा काउंटर लगा हुआ है। पंसारी ग्रुप, पंसारी के चावल, पंसारी का आटा, पंसारी का तेल, जो भी आइटम मिल गया यहाँ पे, अफगानी इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे। मिस्टर मखाना और तेरी की, यहाँ पे लहसुन की चटनी, ड्राई फ्रूट चटनी वगैरह सब कुछ मिल गया। और इधर देखिए, हाँ भाई आ गया मैं, आ गया मैं। क्या ये लहसुन की चटनी के साथ चिप्स? यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें टेस्ट कराते हैं, इतनी सारी चीज़ें टेस्ट कराते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आइटम होती हैं, तो आप अपना पेट उसी से भर सकते हैं। खाना लाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप खाना ना लाएं तो। थोड़ा थोड़ा चेक करेंगे, 50-60 चीज़ें चेक कर लो, पेट भर जाएगा आपका। मदर डेयरी तो सुना था, अब ये अरविंद डेयरी देखिए, नया देखा यहाँ पे अरविंद डेयरी पहली बार। तो जी ये है अरविंद डेयरी, यहाँ पे पनीर की जलेबी, ऑयल, घी, पनीर, दूध, मक्खन सब कुछ मिल रहा है, और फ्लेवर वाला दूध भी है मीठा मीठा सा। अभी हमें टेस्टिंग करने के लिए दिया है जी, ये इनका गार्लिक बटर है, गार्लिक बटर है ब्रेड पे लगा के दिया है नॉर्मली। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर आप खाना अगर नहीं भी ला रहे हो तो भी चलेगा, यहाँ पे चेक करते रहो, पेट आपका वैसे बढ़ जाएगा। देखो जैसे बटर तो टेस्टी है, गार्लिक बटर था और ब्रेड पे लगा के काफ़ी टेस्टी लग रहा था, ब्रेकफास्ट में सुबह खा सकते हैं, अच्छा है। मैं एक ले लेता हूँ। शायद इनकी ट्रिक ये होती है कि चेक इसलिए कराते हैं फ्री में, ताकि पसंद आ जाए तो बंदा ले ही ले। ये इनका नॉर्मल जैसे अमूल का बटर आता है, ऐसा सॉल्ट बटर भी है ये रहा। हमने ये वाला चेक करा था ना, पैम्पलेट भी है इनका, हाँ पैम्पलेट ले लें। फिलहाल तो ये ले लिया हमने, ये नॉर्मल बटर है मैडम, ये भी चेक कर लेते हैं, नॉर्मल बटर वाला इनका। अब हमें बाहर से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल बटर भी टेस्टी है, पूरा पूरा अमूल को टक्कर दे रहा है, पूरा पूरा अमूल को। नॉर्मल बटर कितने का मैडम? छोटी डब्बी, हाँ 55 का, सही है 55 रुपये का। नॉर्मल बटर है, हाँ ये नॉर्मल बटर है, अच्छा है ये तो, नॉर्मल ही हो गया। गार्लिक तो चेक कर लिया, वाला भी, वो दोनों ले लिया हमने, ये वाला भी ले लिया आपका, ये भी ले लिया, ये वाला चेक नहीं करा। ये और चेक कर लेते हैं इनका, ठीक है जी। हमने दो तो ले लिए, नॉर्मल बटर भी ले लिया इनका और गार्लिक बटर भी ले लिया। अब ये चेक कर लेते हैं तीसरा जो बटर वाला है इनका, तीसरा भी कमाल है। ये हमने तीन डब्बे ले लिए मक्खन के,
दो तो लिए गार्लिक वाले और एक लिया है नॉर्मल सॉल्टेड वाला, सॉल्टेड बटर जो है। ये देखिए काफी टेस्ट, 12 पैकेट का 50 रुपए का, 5 रुपए का एक पड़ गया ना। नहीं, फिर आपको दो फ्री मिले ना उसमें, 60 का पड़ेगा तो 50 का। एक ही फ्लेवर है, हमने बिस्कुट भी ले लिया चेक करने के लिए। आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ यहाँ की निंजा टेक्निक पेट भरने की, फ्री के अंदर, फ्री फंड में कैसे पेट भर सकते हैं हम। अभी एक बिस्कुट खा लिया हमने, 3-4 ब्रेड खा लिए और चाय भी पी ली थी। ये है करेले का चिप्स, अब ये चेक कर लेते हैं। ये है करेले का चिप्स, ये वाला करेले का चिप्स आ गया तो मुँह खराब हो गया। अब ये खाली ये ट्राई कर लेते हैं केले का चिप्स, वो मीठा केला था या नमकीन केला है। मच्छी तो खाई हुई है, ये नमकीन केला का चिप्स खा के देखते हैं। ये चेक करते हैं, ये वाली आइटम है, ये 100 रुपए का देना है। क्या चीज़ भैया ये? कटहल, कटहल है, कटहल। अरे कोई देख नहीं रहा, थोड़ा ज्यादा कटहल वाला, ये ज्यादा अच्छा है, अलग ही चीज़ है, हटके है। उड़द दाल है जी, तो ऐसी बात नहीं है, हमने चेक करने के साथ साथ काफी सारी आइटमें ले ली हैं। देखिए ये है मूंगफली की बर्फी, मूंगफली की बर्फी, हाँ मूंगफली की बर्फी ले ली, ये वाली ले ली है। ये क्या आइटम है भाई? चलो जो भी है चेक कर लेते हैं। अच्छा मट्टी ले ली, ये ले लिया हमने, ये भी ले लिया। और कुरकुरे भी तो लिए थे, कुरकुरे, ये कुरकुरे भी तो लिए थे, कुरकुरे। तो देखिए जी काफ़ी चीज़ें तो ले ली हमने, अभी और लेंगे सामान क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। अभी टाइम हो रहा है, टाइम दिखा दूँ मैं आपको, अभी 3:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक का टाइम है। तो अभी देखते हैं जितना घूमा जाएगा घूमेंगे। तो ये देखिए जी चिप्स है, चिप्स भी चेक करा रहे हैं भैया, चिप्स खा के देखते हैं चिप्स कैसा है। बिल्कुल गर्म गर्म है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी अभी बना के निकाला है। ये कचरी चेक कर लेते हैं, ये वाली कचरी कैसी है। वो चिप्स तो ऐसा, ये भी गर्म है चिप्स वैसे तो, मेरे ख्याल से हैंड टू हैंड बना के निकाल लें सर आप। यहाँ पे देखिए ये टेस्टी लगा तो इसलिए एक और ले लेते हैं, ये अच्छा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वेज हॉट डॉग दिखाता हूँ जो कभी नहीं देखे आज तक। चलो जी वेज हॉट डॉग देख लेते हैं। ये वेजली का काउंटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे सारी वेज आइटमें मिलती हैं, नॉन वेज वाली। ये देखिए जी वेज हॉट डॉग है, देखने में तो बिल्कुल चिकन की तरह ही लग रहा है। अंडे की भुजिया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपको अंडे की भुजिया खा रहे, लेकिन वेज अंडे की भुजिया है। ये देखिए यहाँ पे बनती है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी वेज लेके काउंटर पर। अंडे की लग रहा है तो चलो हाथ से खा के देख लेते हैं। अंडा है, वेज है, हालांकि ये अंडे की भुजिया ऐसा लग रहा है, अंडे की भुजिया है, पानी में ऐसा लग रहा है, पहचान ही नहीं सकते आप अंडा है या नहीं है, प्रॉपर अंडा लग रहा है। तो थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ उसके बारे में। ये वेजले का काउंटर है, यहाँ पे आपको वेजले में जो जितनी भी चिकन की आइटम होती हैं वो सारी वेज मिल जाएंगी। अभी हमने मटन टिक्का ट्राई करा है इनका, कमाल का था, मज़ा आ गया। अंडे की भुजिया, बिल्कुल अंडे की भुजिया ही लग रही थी वो वेज। यहाँ पे ऑलमोस्ट चिकन की आइटम सारी मिल जाती है, लेकिन होती वेज में है, वो हाई प्रोटीन से बनी होती हैं, और पता नहीं क्या डालते हैं उसमें, क्या नहीं डालते हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हमने भी यहाँ पे 2-4 आइटम लिए, मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या क्या लिया है। ये देखिए ये भी वेज लेगा, ये अब मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या क्या लिया है। ये मीट टिक्का है, ये है वेज लेकिन है मीट टिक्का इसका नाम, चेक करते हैं कैसा है ये। ये देखिए जी भाई इतने के ये है वेज कबाब, ये है वेज कबाब, और ये क्या है, ये तो फिलहाल वेज कबाब है, और ये पता नहीं क्या है, हाथ में पकड़ा है। दोनों चीज़ आइटम चेक कर लेते हैं जी,
ये पूरी पैकेट वाली बिरयानी आती है, देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है, इसमें से गर्म हो रही है। अमेजोन पे मिल जाएगा आपको इनका नॉन स्टॉप पर रेंट। तो देखिए ऑलमोस्ट पेट भर चुका है हमारा, वेजली का भी हमने काफ़ी सारा आइटम ले लिया। हाँ वेजली का क्या क्या लिया है, चिकन बिरयानी, कबाब, सॉसेस वगैरह, मीट टिक्का वगैरह, काफ़ी सारी आइटमें ले ली हमने। देखिए और यहाँ मसाले कसूले मिल रहे हैं, कुछ स्पाइसेस, और यहाँ पे जूसेस वगैरह मिल रहे हैं। तो जी ये देखिए 9 नंबर हॉल से निकले हैं अभी जस्ट, तो 5-6 हॉल तो हमारे हो गए लमसम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अब हमारा हो गया 11 नंबर हॉल, हो गया 10, हो गया 9, हो गया 8, हो गया। अब चलते हैं सामने 7 की तरफ, 1 की तरफ, 4, 5, 6 और 5 की सामने से रास्ता है उधर से।